हर। मित्रों आज हम अमरकंटक के एक और सुंदर जलप्रपात के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये स्थान नर्मदा कुंड से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में है। यहाँ बराती नाला झरना बनाता है। ये तो एक छोटा सा झरना दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक तरफ बड़ा झरना है, काफ़ी लगभग 150 फीट 200 फीट ऊपर से वो गिरता है और बड़ा सुंदर दृश्य बनाता है। इस जलप्रपात का नाम है लक्ष्मण धारा। लक्ष्मण धारा के नाम से इस जलप्रपात को जानते हैं। इसके ऊपर एक जलप्रपात बनता है, वो शंभू धारा, वहीं से ये पानी आता है और यहाँ आकर के लगभग 150-200 फीट की ऊंचाई से गिरता है और एक सुंदर मनोहारी दृश्य जलप्रपात बनता है लक्ष्मण धारा के नाम से। बारिश के समय में ये और सुंदर दिखता है, क्योंकि एक यहाँ से जलप्रपात बनता है, पहाड़ का पानी आके गिरता है, एक वो जो पीछे आप देख रहे हैं वो जलप्रपात एक छोटा सा बनता है, बड़ा सुंदर पूरा भर के चलता है, और एक इधर पास में वो भी भर के एकदम बढ़िया जलप्रपात सुंदर बनता है। तो यहाँ आकर के आप प्रकृति के अनूठे सौंदर्य को निहार सकते हैं और पानी को गिरते हुए जब आप देखेंगे तो आपको आनंद और सुख की अनुभूति होगी। तो सुंदर जलप्रपात, लेकिन यहाँ पर्यटक बड़ी कम संख्या में आते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं और यहाँ तक पहुँच मार्ग थोड़ा कठिन है, सीधे वाहन से नहीं आ सकते, लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है जंगल के बीच में, क्योंकि ये जंगल के बीच में स्थान है, एकदम चारों तरफ से घनघोर जंगल है, घना जंगल है, साल, जामुन, सराई, इस तरह के बड़े बड़े पेड़ यहाँ हैं। तो आप अमरकंटक आएँ और बारिश के दिनों में खास करके आएँ, वैसे बाकी के दिनों में भी आप इस जलप्रपात को देख सकते हैं, सुंदर जलप्रपात है, लेकिन अगर बारिश के दिनों में आप आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। ये बड़ा सुंदर जलप्रपात नर्मदे हर।